नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के बिगड़ते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि बिहार के 24 जिलों में बारिश के साथ ही साथ ओला गिरने की भी संभावना है और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ लगातार बिहार में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, शीत लहर लगातार बढ़ती ही जा रही है, वहीं अगर हम दिन के समय की बात करें तो कोहरा और धुंध से कई तरह की परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन सबके बीच बारिश को लेकर ये हाई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, किस तरह से बारिश के साथ ही साथ ओला गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि देश के उत्तरी भागों से आ रही सर्द पछुआ हवा और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में सुधार नहीं हो रहा है। पटना मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिमी के 14 जिलों यानी कि पटना, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, भभुआ, नालंदा, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, आरा, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, लखीसराय में शनिवार को कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने और ओला गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 23 जनवरी को उत्तर बिहार के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में पटना समेत साउथ बिहार में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर 24 जनवरी तक रह सकता है। वहीं 25 जनवरी से मौसम में बदलाव देखा जाएगा, उसके बाद न्यूनतम तापमान गिरेगा। बता दें कि शुक्रवार को राज्य में छपरा सबसे सर्द रहा, यहां का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रहा, तो वहीं पटना का न्यूनतम तापमान करीब 1.5 डिग्री बढ़कर 8 डिग्री दर्ज किया गया। धूप निकलने से अधिकतम पारा में 4.6 डिग्री का इजाफा हुआ, जो कि 21.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पूर्वैया हवा भी चलने लगी, इस वजह से उतनी कनकनी महसूस नहीं हो रही। बता दें कि पटना, छपरा, दरभंगा, गया, सुपौल, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। तो जहां एक तरफ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ मेघ गर्जन और साथ ही साथ ओला गिरने की संभावना भी बिहार के 19 जिलों में जताई गई है। ऐसे में लगातार अगर हम बिहार के मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पछुआ हवा बहने से जो कनकनी है वो और भी ज़्यादा बिहार में बढ़ गई है और यही वजह है कि 25 तारीख तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ बारिश होने की भी पूरी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि इस बिगड़ते हुए मौसम में हम खुद का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।